भी कुछ टर्म्स होते हैं जो मैथ्स के पाइथागोरस थ्योरम की तरह सर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन हम उन टर्म्स को समझना इजी बनाते हैं हमारा शो डू यू नो। और आज आपको क्रिकेट की एक और टर्म का मतलब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो क्रिकेट ढंग से फॉलो करता है उसने नॉर्मल सब्स्टिट्यूट के बारे में तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं समझा देती हूँ। ये तब किया जाता है जब एक फील्डर फील्डिंग कर रहा है और उसे चोट लगी तो उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर फील्ड पर आ जाएगा और फील्डिंग करेगा, पर उसमें एक कंडीशन आ जाएगी कि वो बॉलिंग और बैटिंग नहीं कर सकता। पर 100 बातों की एक बात है भाई, कंकर्शन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये तब की जाती है जब एक प्लेयर के हेलमेट या सर पर चोट लगती है एंड इफ प्लेयर को इंजरी या इंजरी जैसा फील हुआ तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाए। इफ बैटर को बॉल लगी है तो उसकी जगह जो आएगा वो बैटिंग करेगा, और अगर बॉलर को लगा है तो जो प्लेयर आएगा वो बॉलिंग करेगा। एज सिंपल एज दैट। बट इफ ऑलराउंडर को बॉल लगी तो फिर क्या होगा? इसका जवाब ये है कि फिर जो प्लेयर अंदर आएगा या तो वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग। एक बार आपको याद होगा जब 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, तब जडेजा को बॉल सर पर लगी थी। उसके बाद जड्डू के एस कंकर्शन सब चहल फील्ड पर उतर चुके थे और उन्होंने बॉलिंग कराई थी, और ये कंकर्शन सब्स्टिट्यूशन का एक प्राइम एग्जांपल है। आई होप शायद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपको ये बता देते हैं कि क्रिकेट में कंकर्शन सब्स्टिट्यूशन का रूल जुलाई 2019 में लाया गया था, एंड तब से अब तक ये रूल चलता आ रहा है एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सक्सेसफुल है।